ही अफसोस की बात है कि एक हिंदुस्तान की बेटी के साथ, एक लड़की के साथ, एक सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हो रहा है। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो पता नहीं था। मुझे लोगों ने इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेजेस करे, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आए कि इसमें आपको बोलना चाहिए। तो मुझे पता लगा कि अभी अर्चना गौतम इतना बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, अभी बिग बॉस शो करके आई हैं, उसके बाद उनके साथ दिल्ली में ऐसी हादसा हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके फादर को मारा जा रहा है। मतलब इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है, आप बताइए। किसी इंडियन लड़की के साथ, और वो भी कांग्रेस हाउस के बाहर, ऐसा हो रहा है तो आप क्या कह सकती है? मतलब कौन सी लड़की आज के देश में सेफ है, कौन सी लड़की हिफाजत में, आप मुझे खुद बताइए इस बारे में। गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहूँगा कि पहले तो मैं दिल्ली वालों को बताना चाहता हूँ कि मुंबई के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं। अगर ये सब मुंबई में होता तो हम इन लोगों को बताते कि मुंबई के लोग क्या कर सकते हैं। अर्चना गौतम मुंबई की बेटी है, अर्चना गौतम महाराष्ट्र की बेटी है, अर्चना गौतम हिंदुस्तान की बेटी है। आज अर्चना गौतम से मेरा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, वो हिंदू है, मुसलमान है, लेकिन मैं उनका भाई बन के सामने आया हूँ। ऐसे हिंदुस्तान की किसी लड़की भी आ छुटेगी तो फैजान अंसारी भाई बन के आएगा, क्योंकि मैं फैजान अंसारी देखिए किसी से डरता नहीं है, गलत चीज़ों के हमेशा आगे जाता है। पहना दो मुझे हथकड़ी पे, डाल दो मुझे जेल में, मैं डरता नहीं हूँ अगर मैं सच्चा हूँ तो। अर्चना की जगह कोई भी होता, कोई भी नाम होता, कोई भी धर्म की लड़की होती, और मैं सारे देश से गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि कोई भी धर्म के लोग हों, हिंदू मुस्लिम सिख, सब इस देश में इस लड़ाई में मेरा साथ दें और अर्चना का सपोर्ट करें, अर्चना को इंसाफ दिला के रहें। इतने साल से कांग्रेस के लिए अर्चना काम कर रही थी और कांग्रेस ने उनको ऐसा किया। कांग्रेस के ऑफिस के बाहर लड़की आज सेफ नहीं है तो क्या सेफ हो गया, बताइए। जो कांग्रेस, देखिए मैं किसी और पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और पार्टी के साथ हूँ भी नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ अगर कांग्रेस पे लोग भरोसा करना है, जब कांग्रेस के घर के अंदर एक लड़की सेफ नहीं है तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आधी रात में लड़की दिल्ली में बाहर जा रही है? आधी रात में दिल्ली कनॉट प्लेस पर बाहर कैसे घूम सकती है? आधी रात में दिल्ली गुड़गांव में कहीं बाहर कैसे जा सकती है? मुंबई में तो आधी आधी रात में लड़की घूमती है, बिल्कुल सेफ़ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के साथ आज लड़कियाँ सेफ नहीं है, जो इतना बड़ा हादसा देश में हुआ है। और आगे कोई भी लड़की अगर इन लोगों को भरोसा करेगी तो जो भी होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगी। इस मुहिम में साथ मिलकर लड़ाई करें, अर्चना गौतम को इंसाफ दिलाएं, और जिन लोगों ने अर्चना गौतम पे हाथ उठाया है, जिन लोगों ने अर्चना गौतम के बाप पे हाथ उठाया है, उनको हाथ जोड़ के अर्चना गौतम के साथ माफ़ी मांगना चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए। मैं इस लड़ाई में आखिरी दम तक अर्चना के साथ खड़ा हूँ। अगर अर्चना ने कंप्लेन कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, मैं उस कंप्लेन में भी उनका साथ दूंगा, दिल्ली तक जाने को तैयार हूँ, हर चीज़ में उनका साथ दूंगा। और उम्मीद करता हूँ हर इंसान, हर लोग, आप लोग भी प्लीज़ अर्चना गौतम का सपोर्ट करिए। आज वो बहुत टेंशन में है, डिप्रेशन में है, उनके चोट आई है, उनका इलाज चल रहा है, तो वो सब हमसे देखा जा नहीं रहा है। तो मेरी उम्मीद है, गुजारिश है सारे लोगों से, सारे मेरे फैन से भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई में मेरा साथ दें और अर्चना गौतम को इंसाफ दिलाएं।